यदि आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने इस पेपर कटिंग को सेंड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइए, नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर हमने विधिवत जानकारी सेंड की है, अतिथि शिक्षकों की 35,500 या गेस्ट टीचर की 35,500 वेतनमान से संबंधित पेपर कटिंग। नमस्कार मित्रों, ब्रेकिंग न्यूज 12 सितंबर 2022, अतिथि शिक्षकों या गेस्ट टीचर की वेतन की गई 35,500। जी हाँ, आपने थंबनेल में सही देखा, किंतु यह हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे सौभाग्य में नहीं है। यह जो न्यूज है, यह मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतनमान नहीं बढ़ाया है। यह जो न्यूज है, पंजाब सरकार ने, जहां पर आम आदमी की सरकार या आप आदमी की सरकार बनी हुई है, वहां पर गेस्ट टीचर की वेतन वृद्धि कर दी गई है और अब वहां पर अतिथि शिक्षकों को 35,500 की गई है। एक हमारा राज्य बस ऐसा राज्य है जहां पर अतिथि शिक्षकों की खबर तक नहीं ली जाती है, उनकी किस प्रकार की दिनचर्या गुजर रही है। दिल्ली सरकार ने भी अतिथि शिक्षकों की 65 वर्ष तक सेवाएं कर दी हैं। ऐसे अनेक राज्य हैं जिन्होंने अतिथि शिक्षकों की वेतन वृद्धि कर दी है, उनकी सेवाएं 60 वर्ष, कहीं 65 वर्ष, कहीं 62 वर्ष, भिन्न प्रकार अपने नियमानुसार कर दी हैं, किंतु हमारे एमपी में मात्र घोषणाएं की जाती हैं। हम एक किसी एक पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पिछली सरकार भी आई थी, एक समय अवधि दी गई थी कि अतिथि शिक्षकों के नियमित समय में नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वर्तमान सरकार भी लंबे समय से शासन कर रही है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए बोलने से तक कतरा रही है। एक दूसरे दर स्टेट की राज्य सरकार है, अभी वर्तमान में पंजाब सरकार आई है, दिल्ली में सरकार है, ऐसे कई स्टेटों में सरकार है जिन्होंने अतिथि शिक्षकों की वेतन वृद्धि कर दी है, कहीं पर 62 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष की सेवाएं कर दी है, उन्हें नियमित तौर पर रखा गया है। मात्र मध्य प्रदेश सरकार में भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया, नहीं पर ना ही अतिथि शिक्षकों की कोई सुध ली गई। देखते हैं आगे चलकर क्या निर्णय आते हैं एमपी सरकार द्वारा। नमस्कार मित्रों।